Yes, sir, today I'm going to start a very important chapter of CBSE class 10th maths, and the name of the chapter is quadratic equation. See, what is the exact definition of quadratic equation and expression which can be written in the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where A, B, C are real numbers and the most important condition is A is not equal to 0. A हमारा जीरो नहीं होना चाहिए इस इक्वेशन में. अगर ये जीरो होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चेंज होकर के ये आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर इक्वेशन में. एंड द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर plus dx plus c is equal to 0 is also known as general form of a quadratic equation. ax square plus bx plus c is equal to 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है. अभी एक्सरसाइज 4.1 में हमें बेसिक से क्वेश्चन होंगे जिसमें कुछ इक्वेशन होंगे, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें ये देखना है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं. तो सबसे पहले उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद चेक करना है हाइएस्ट डिग्री उस इक्वेशन का, मैक्सिमम जो डिग्री है, मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट है, मैक्सिमम जो पावर है वो 2 होना चाहिए. और अगर 2 होता है तो हमारा क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नो. जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 में चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें चेक करना है कौन से इक्वेशन हमारे क्वाड्रेटिक है. जैसे नंबर फर्स्ट है, नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस 2. सॉल्व करके इसके जनरल फॉर्म में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में इसे लेकर आएंगे और चेक करेंगे पहले से ही 2 है या नहीं है. अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नो. एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स एंड सिंपलीफाइड इज 2 एक्स माइनस 3. एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स या फिर यहाँ पर 2 एक्स और 2 एक्स कैंसिल कर सकते हैं प्लस 1 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है. ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है. तो यहाँ पर ये देखना है कि अगर बी एक्स वाला टर्म्स नहीं दिया है तो भी वो क्वाड्रेटिक होगा. क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए ये जरूरी नहीं है कॉन्स्टेंट टर्म हो या फिर ये एक्स वाले टर्म हो, हमको बस चेक करना है कि उस पूरे एक्सप्रेशन में हाइएस्ट वेरिएबल की हाइएस्ट डिग्री कितनी है. अगर वेरिएबल की हाइएस्ट डिग्री 2 आती है तो वो इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नो. इस फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3rd, द क्वेश्चन नंबर 3rd इज एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3. मल्टीप्लाई बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 3. जो भी टर्म्स हमारे कैंसिल होने वाले उसे कैंसिल कर देंगे और जो सिंप्लीफाई होंगे उन सबको लेफ्ट साइड में लाकर सिंप्लीफाई करेंगे. एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3.
माइनस एक्स एंड टू एक्स लेफ्ट साइड माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें और थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक
इस एक्सप्रेशन में हम हाईएस्ट क्यूब चेक करें तो यहाँ पे हमें जो हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्यूबिक पॉलिनोमियल को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में या फिर क्यूबिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होते हैं वो 3 होते हैं। हमें चाहिए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। 2 तो यहाँ है नहीं, ये हो गया, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आए अब जो भी क्वेश्चन छूट रहा है स्टूडेंट्स को सॉल्व उसे कर लेंगे। सिंपल है, इसी टाइप से सिंप्लीफाई करके हमें बस उसको इसके जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल फॉर्म लाना है और चेक करना है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 आती है तो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर में हमें सिंपल कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, उस वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशन फाइंड करना है और वो इक्वेशन हमारे क्वाड्रेटिक की आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नंबर 1 इसमें है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, तो फाइंड नहीं करना है, बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसे एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे सेकेंड वाला जो सेंटेंस है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल ही लेना है, ऐसा नहीं कि हम लेंथ कुछ और ले, ब्रेथ कुछ और ले, एक सिंगल वेरिएबल में इसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल में हमें लेट करना है, जो भी लेट करेंगे हम एक सिंगल वेरिएबल में लेट करेंगे। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट ब्रेथ एक्स, देन लेंथ कितना हो जाएगा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये मींस ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है, तो ये हो गया 2x प्लस 1 मीटर और ये हो गया x मीटर। अब नंबर 1 वाला जो सेंटेंस उसको रहे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेथ है x, ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। इसे सॉल्व कर ले, और ये टोटल हमारा किस पे इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 528 मीटर स्क्वायर का, 528 मीटर स्क्वायर, जिसको काम करें 528 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2x स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स, सबको एक साइड ड्रॉप कर लें और 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 520 पॉजिटिव साइड में का राइट साइड होगा, ये हो गया माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया मीटर स्क्वायर। अब जो भी यहाँ से x का x के वैल्यू आएंगे ठीक है, वो हमारे मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमको अगर लेट करना हुआ, तो अगर एक सिंगल इंटीजर है तो हम सिंगल इंटीजर कुछ भी ले सकते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो फर्स्ट हो जाएगा x, सेकंड हो जाएगा x प्लस 1, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो फर्स्ट हो जाएगा x, सेकंड हो जाएगा x प्लस 1 और थर्ड हो जाएगा x प्लस 2। इसी टाइप से अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड भी x प्लस 1, थर्ड भी x प्लस 2 एंड फोर्थ भी x प्लस 3। तो यहाँ पर हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर भी x, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स प्लस 1, यानी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x हो गया और सेकंड हो गया x प्लस 1। अब इन दोनों के प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
The product of two positive consecutive integers is 306. इन दोनों का प्रोडक्ट 306 के इक्वल है. दैट इज x टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय x बाय x प्लस 1. दैट इज x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड. रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 316. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. यहाँ पे सबसे पहले हम रोहन के एज को लेट कर लें. नंबर थर्ड देखें. रोहन्स एज बी एक्स. Then his mother's age will be. Rohan's mother is 26 years older than him. ये हो गया x plus 26 years. यहाँ पर भी years. According to question, the product of their ages. 3 years from now. अब 3 साल के बाद पहले इन दोनों का एज निकाल लें. फिर इन दोनों के प्रोडक्ट कितने हैं? 316. ध्यान रखें. 3 years from now, Rohan's age. तो 3 साल के बाद एज और बढ़ेगा. ये हो गया x plus 3 years. And 3 years from now, his mother's age, ये कितना हो जाएगा? x plus 26 पहले है और 3 years also add हो जाएगा plus 3, ये हो गया x plus 29 years. इसके बाद final equation होगा. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. इन दोनों का प्रोडक्ट 360 है. ये हो गया x plus 3 into x plus 29 is equal to 360. इसको सिंपलीफाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें. x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 27 2 8 2 16 8 इज इक्वल टू 360. एक्स स्क्वायर और 29x प्लस 3x प्लस 32x प्लस 87 और ये का ट्रांसफर होगा माइनस 360 इज इक्वल टू 0. और एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस ये हो गया 3 15 7 7 273 is equal to 0 and this is your final answer. Next है question number 4. Question number 4. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. सबसे पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन को लेट कर लें. स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर. अगर वो ट्रेवल करना है तो कितने टाइम को कवर करेगा? ठीक है, यहाँ पे टाइम टेकन टू कवर
480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर को कवर करने में कितने टाइम लगेंगे? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कितना हो जाएगा 480 अपॉन एक्स आर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, सेकंड कंडीशन। अब याद रखना सेकंड कंडीशन, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रहा है तो जो उसका इनिशियल स्पीड था वो कितना था x किलोमीटर पर आवर, तो प्रेजेंट स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब क्या है कि अगर इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया जा रहा है तो जो टाइम हमारा पैदल हुआ था उस टाइम से हमारा 3 आवर्स और ज्यादा लगेंगे, ठीक है। देन न्यू टाइम क्या हो जाएगा, न्यू टाइम तो जो प्रेजेंट टाइम था, ठीक है, वो कितना था 480 अपॉन एक्स आर प्लस। अब यहाँ पर जैसे ही 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेस हो रहा है टाइम इंक्रीज कर रहा है, ये हो गया प्लस 3, कितना इंक्रीज कर रहा है 3 आवर इंक्रीज कर रहा है, ये हो गया आर। अब यहाँ पे हमें निकालना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो याद रखिए distance is equal to speed into time, distance हमारा कितना है 480 is equal to speed कितना है, और speed हम लोग new वाले speed को लेंगे, new वाले time को लेंगे, जो भी होगा, ठीक है। speed क्या है हमारा 8 x minus 8 into, और time कितना है 480 upon x plus 3, सिंपलीफाई कर लें 480 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8, और इसका आंसर हो जाएगा 480 प्लस 3 एक्स अपॉन एक्स। इस एक्स को डायरेक्ट कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये हो गया 480 एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 और 480 प्लस 3x। अब इसको मल्टीप्लाई करें 480 एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई कर 480x प्लस 3x स्क्वायर, ये हो गया माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर दें 0 8 8 64 36 8 4 32 6 38 माइनस 8 प्लस 3x, ये हो गया माइनस 24x, और ये हो गया हमारा कैंसिल 480x हो गया क्या बच्चा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 = 0 और कर दें कॉमन, इसमें 3 है, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3 8 = 24 8x माइनस, और फिर 3 से इसमें डिवाइड कर दें 3 1 3 3 2 6 3 8 = 24 0 = 0 दिस इज योर फाइनल आंसर in the form of quadratic equation.